Hi everyone, this is Ashish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hello everyone, in my previous video I told you about exercise 7a, जिसमें equation को solve कैसे करते हैं ये सीखा था. अब यहाँ बता रहे हैं कि फॉर्मिंग सिंपल इक्वेशन, कभी कभी इक्वेशन हमको इक्वेशन की फॉर्म में ना दे करके और हमारे पास उस फॉर्म में आ जाएगी जहाँ पर हमको उसके डिस्क्रिप्शन से पहले बनाना होगा इक्वेशन और इक्वेशन बना के हमें उसको सॉल्व करना होगा. तो देखते हैं कैसे बनाते हैं. फ्रॉम द डायग्राम फॉर्म एन इक्वेशन एंड यूज़ इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम से हमें क्या करना है, हमको इस डायग्राम के थ्रू एक इक्वेशन बनानी है और फिर उसे सॉल्व करना है. ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ स्पून का जो लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट लेंथ है स्पून का 18 सेंटीमीटर. इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके जब हम बोल रहे हैं तो पहला पार्ट हमारा x सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा पार्ट इस जगह से लेकर इस जगह तक 5 सेंटीमीटर है. यानी इन दोनों को ऐड करने पर इस पूरे स्पून का लेंथ 18 सेंटीमीटर बनना चाहिए. तो यहाँ मुझको क्या दो तरीके से लेंथ मिली स्पून की, एक लेंथ मिली मुझे 18 सेंटीमीटर और दूसरी तरीके से मुझे लेंथ मिली x प्लस 5. तो x प्लस 5 जो है वो 18 के इक्वल होना चाहिए. x प्लस 5 को 18 के इक्वल रख देंगे, उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँगा तो हो जाएगा 18 माइनस 5, क्योंकि ये 5 शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 13 सेंटीमीटर. आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ये पढ़ रहे हैं जो आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये ज़रूर याद रखना है. उसके बाद हम देख सकते हैं एग्जाम्पल 2 दिया गया है यहाँ पर. 3 times a नंबर इज़ इक्वल टू 18, फाइंड द नंबर. तो अभी तो हमको नंबर पता भी नहीं है. इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर कम से कम अवेलेबल था, जो हमको दिया गया था वो था हमारे पास x. अब हमारे पास नंबर अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले हमें नंबर सपोज करना है. हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर n, हमने n मान लिया. आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. उसके बाद कहा गया 3 times a नंबर, तो नंबर को हमने कर दिया 3 times, यानी 3n इक्वल, वो इक्वल है 18 के, तो 3n इक्वल हो गया 18 के. ये हमारा जो है इक्वेशन तैयार हो गया. इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया और सॉल्व करने के बाद इनका जो वैल्यू मिला वो है 6. अगर आप आंसर के थ्रू चेक करना चाहें तो कर सकते हैं. 3 times a नंबर यानी 6 को 3 times कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 18 के. नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 3. ए पीस ऑफ रोप एक्स मीटर्स लॉन्ग इज कट इनटू 4 equal parts. कोई पीस है रोप का, उसको एक्स मीटर लॉन्ग वो है और उसको 4 equal parts में कट किया गया. अब बताना है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट. सपोज़ कर लीजिए कि अगर x की जगह कोई डिजिट होती तो हम 4 से डिवाइड कर देते. तो इस केस में भी हम यही करेंगे. और बी हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 3 meters, फाइंड द लेंथ ऑफ द होल पीस. अगर एक पार्ट की जो लेंथ आ रही है 3 meter है वो, तो पूरे रोप की लेंथ कितना होगा हमको वो बताना है. ये देखिए इसमें सॉल्यूशन के थ्रू किया गया. सबसे पहले जो लेंथ थी उसको होल पीस की लेंथ को x मीटर ले लिया गया, यानी हमारे पास एक वेरिएबल आ गया है यहाँ पर. उसके बाद क्या किया गया है कि लेंथ ऑफ ईच पार्ट, यानी हर एक पार्ट की लेंथ निकलेगी जब हम इसको 4 parts में डिवाइड कर देंगे, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ गया x अपॉन 4 meters. अब बी क्वेश्चन में बताया गया कि हर एक पार्ट की जो लेंथ थी वो 3 meter थी, यानी x अपॉन 4 जो है वो 3 के इक्विवेलेंट हो गया. तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 12, यानी पूरी की पूरी जो रोप है उसकी लेंथ हो गई हमारी 12 meters. इसी तरीके के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एग्जांपल 4 में आपको दिखाता हूँ. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज़ 1260. कोई स्कूल है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स 1260 हैं. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 52 मोर देन दैट ऑफ द बॉयज़. अगर गर्ल्स का जो नंबर है वो 52 ज़्यादा हो जाए बॉयज़ से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल. तो हमको स्कूल में बॉयज़ बताने हैं कितने हैं. ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का नंबर भी बताना है कि कितने हैं. अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया. सबसे पहले हमारे पास कोई भी वेरिएबल अवेलेबल नहीं था, तो हमने वेरिएबल लिया हुआ है यहाँ पे. जो चीज़ पूछी गई है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, इसको हमने लेट करके लिख लिया है. लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल बी एक्स. मान लिया गया है कि स्कूल में कितने बॉयज़ थे, एक्स. उसके बाद अगर इसी के अकॉर्डिंग चलें तो जितने बॉयज़ थे उससे 52
और प्लस करेंगे तब हमको गर्ल्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इक्वल एक्स प्लस 52, तो ये सब अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। अब उसके बाद टोटल जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में वो हैं 1260, यानी बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड करने पर हमारा आना चाहिए 1260। यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, ये बॉयज़ का नंबर है x प्लस 52, ये गर्ल्स का नंबर है, उसके बाद इसको ऐड करने से आया 1260। सॉल्व करेंगे इसको हम एज इक्वेशन जैसे पीछे हम सॉल्व करते आए हैं, तो हमको x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर 604, यानी हमारे पास बॉयज़ हो गए स्कूल में 604 और गर्ल्स हो गई उसमें 52, प्लस करेंगे तो हमारे पास गर्ल्स हो जाएंगे 656। ये इक्वेशन बनाने का तरीका है जो आपको यहाँ पर बार बार सिखाया जा रहा है, ताकि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7B, आप उसको आराम से हैंडल कर पाएं। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल 5, उस पर फोकस करेंगे। आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब 15 साल के बाद, सलमा विल बी 4 times एज ओल्ड एज शी इज़ नाउ। सलमा जो है वो अभी जितनी बड़ी है उसकी 4 times हो जाएगी। डिटरमाइन हर प्रेजेंट एज, सलमा की प्रेजेंट एज कितनी है हमको ये डिटरमाइन करना है, यानी पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं सलमास प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, सलमा की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर्स है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन दिया गया कि 15 ईयर्स आफ्टर, तो हम उसमें उसकी एज में 15 ईयर्स ऐड कर देंगे एक्स प्लस 15। अब एक्स प्लस 15 सॉल्व तो होगा नहीं, वो एज इट इज़ ही रखा रहेगा। और उसके बाद बताया गया सलमा विल बी 4 times एज ओल्ड एज शी इज़ नाउ, मतलब सलमा जितनी बड़ी अब है उसकी 4 times हो जाएगी। तो एक इक्वेशन बन गई, इट इज़ गिवेन दैट हर एज आफ्टर 15 ईयर्स, यानी एक्स प्लस 15, दैट इज़ इक्वल टू 4 times हर प्रेजेंट एज। 4 time प्रेजेंट एज उसकी एक्स है, यानी 4 into x। ये देखिए हमारी फाइनल जो है ये बन गई है। इस फाइनल को बनने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के लिए हमको एक्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, फिर से 3 को शिफ्ट करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, तो हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 5। यानी सलमा की जो प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर्स है। अब हम उसको चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर 5 ईयर्स को हम 15 ईयर्स बाद देखें तो वो हो जाता है 20। यानी अभी किसी की एज अगर 5 ईयर्स है तो 15 ईयर्स बाद उसकी एज जो होगी वो उसके प्रेजेंट एज की 4 times हो जाएगी। दैट इज़ करेक्ट, हमारा चेक भी हो गया। एग्जाम्पल 6 आप देख सकते हैं, द सम ऑफ 2 consecutive नंबर्स इज 53, फाइंड द नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो लगातार आते हैं, लगातार का मतलब जैसे आपने काउंटिंग पढ़ रखी होगी 1, 2, 3, 4, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो ये सभी हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। अब हमको देना है द सम ऑफ 2 consecutive नंबर्स इज 53, यानी 2 लगातार आने वाले नंबर्स का सम करने पर हमको 53 मिलता है। फाइंड द नंबर्स, हमको वो नंबर्स बताने हैं। लेट द 2 consecutive नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1, पहला नंबर मान लिया गया एक्स, तो डेफिनेटली दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी उसमें 1 ऐड कर देंगे। और इन दोनों का सम करने पर आता है 53, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 53। उसके बाद इसको सॉल्व किया गया है देखिए इस तरीके से, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया x का वैल्यू 26। x का वैल्यू 26 है, यानी पहला नंबर हमारा हो गया 26 और दूसरा नंबर आना है x प्लस 1 से, तो इसमें प्लस 1 करेंगे तो वी विल गेट 27। इस तरीके से हमारे दोनों नंबर आ गए। ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, इसको और ध्यान से देखने की ज़रूरत है आपको। 2 less than 4 times अ नंबर इज़ द सेम एज नंबर प्लस 34, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले फाइंड द नंबर दिया गया था, तो हमने नंबर को कंसीडर किया यहाँ, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को मान लिया एक्स। उसके बाद हमें क्या करना है, 4x-2 = x + 34, ये कैसे आया, 2 less than 4 times, नंबर को 4 times करके उसमें 2 less अगर कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज़ द सेम एज द नंबर प्लस 34, नंबर जो है वो 34 के प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको कैसे किया गया, 4x-2 = x + 34, उसके बाद x वाले टर्म्स एक तरफ, नॉन x वाले टर्म एक तरफ, उसके बाद क्या किया गया, इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने में आया 12। अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो हम देख सकते हैं 4 times करेंगे 12 को तो हो जाएगा कितना 48, उसमें से 2 कम करेंगे हम तो हो जाएगा 46। उसके बाद कहा गया कि ये उतने के बराबर होगा जितना उसमें 34 प्लस करने पे आएगा, 12 में 34 प्लस करेंगे तब भी हमको कितना मिल जाएगा 46। तो हमारा नंबर क्रॉस चेक हो गया। नाउ
इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 7B है, एक्सरसाइज 7B आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 7B के बाद हमारा आगे मेरे ख्याल से चैप्टर असेसमेंट है, इसमें मेंटल मैथ नहीं है। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इन केस किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेरी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। उसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।